अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार हूँ। मैं आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। नहाने से 30 मिनट पहले विटामिन ई कैप्सूल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने बालों में लगा लें। आपके बाल न सिर्फ लंबे, घने और मजबूत होंगे बल्कि सिल्की और शाइनी भी हो जाएंगे। एक साफ पैन या कोई देगची ले, इसमें आधा जो कप है या आधी प्याली के बराबर चावल डाल दें। घर में जो चावल इस्तेमाल होते हैं पकाने के लिए वही लें और इसको आप भर दें पानी से, पैन को या देगची को। इसको मिक्स करें और इसको पकाएं। आपने खूब अच्छी तरह चावलों को उबालना है जब तक पानी जो है वो एक छोटी प्याली ना रह जाए। इसके बाद चूल्हा बंद कर दें और इसको छानकर आप दूसरी प्याली में निकाल लें। ये देखें, एक छोटी प्याली के बराबर हमारे पास चावलों का पानी आ गया है। फिर आप इसमें एक अदद विटामिन ई कैप्सूल मिलाएं 400 मिलीग्राम वाला और एक चम्मच एलोवेरा जेल का मिला दें। ये जो विटामिन ई कैप्सूल है ये मैंने बड़े साइज का लिया है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या जो मेकअप की शॉप्स होती हैं वहां से मिल जाएगा। एक चम्मच ही आप इसमें मिलाएं। ये जो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल, वो इसमें मिलाएं क्योंकि उससे भी बालों में बहुत प्यारी शाइन आती है। रुई का एक टुकड़ा लें। जब आप ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स कर लें तो रुई का एक टुकड़ा लें, इसको इस पानी में डिप करें और अपने बालों की जड़ों में लगाएं, बालों के ऊपर नीचे अच्छी तरह लगाएं। और फिर आपने करना यह है कि हफ्ते में कम से कम एक बार आपने नहाने से 30 मिनट पहले ये पानी इसी तरह तैयार करना है। इसको बनाकर रखना नहीं है, जब भी लगाना हो हमेशा न्यू बनाएं, अपने बालों में लगाएं और 30 मिनट के बाद बाल किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें। इंशाल्लाह ताला कुछ बार के ही इस्तेमाल से आपके बाल बेहद लंबे, घने और मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। हेयर फॉल का भी खात्मा होगा। सो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।